अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट अम्मी की रेसिपी विद होम शेफ शिगुफ्ता यास्मीन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉलीफ्लावर सूप। जी हाँ, फूल गोभी का सूप किस तरह से बनेगा। फूल गोभी का सूप मैं दो तरह से आपको बताऊंगी किस तरह से आप बनाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ। आज थोड़ा सा कुछ हम डिफरेंट करेंगे, और डिफरेंट किस तरह से करेंगे वो मैं बताती हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं, खाया नहीं जाता, निकला नहीं जाता, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके गले से रिलेटेड होती हैं। शुरू करते हैं। पहले हम एक नॉर्मल रेसिपी जो हम लोग खाते हैं, ईजिली खा सकते हैं, वो शुरू करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी कि वो लोग जिनको निकलने का प्रॉब्लम है उनकी रेसिपी किस तरह से तरतीब दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अज़ा दिखा दूं। ये वो वाला सूप बना रही हूँ जो आप और हम बासानी पी सकते हैं। मैंने एक अदद फूल गोभी ली है। इसके अलावा चंद गाजरें मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इसमें फ्लेवर ऐड करना है, और उसके अलावा मुझे ये आलू चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा मुझे तेल चाहिए, एक अदद प्याज है इसको मैंने चॉप कर लिया है, उसके अलावा ये पिंक सॉल्ट मेरे पास है, आपके पास जो भी नमक है आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर है, और ये है आपका जायफल, जायफल को मैंने क्रश करके रख लिया है, थोड़े से बादाम है इसको मैं इस्तेमाल करूंगी किस तरह बताती हूँ, और ये मिल्क है मेरे पास। हमें करना क्या है मैं आपको बताऊं कि आपने पैन में इसको तेल को डालना है, थोड़े से तेल डालने के बाद आपको इस प्याज को उस तेल में डाल देना, हल्का सा सॉफ्ट करना है, फिर फूल गोभी, गाजर और ये आलू, इन तीनों चीज़ों को साथ डालना है, हल्का सा मिक्स करना है, और फिर इसमें आपको पानी डाल देना है उबालने के लिए। जब ये उबल जाएगा तो हमें इस तरह से एक मिक्सचर मिल जाएगा, इसका मैंने पेस्ट बना के रखा है ताकि कुकिंग टाइम हमारा थोड़ा कम हो जाए। इस मिक्सचर को फिर हम पकाएंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था और इसको उबालते हुए थोड़ा सा अदरक का पाउडर भी डाला था, तो आप भी इस्तेमाल कर लीजिएगा इसमें अदरक का पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हम आ जाते हैं अपने पैन की तरफ। सबसे पहले ये पैन बिल्कुल खाली है, इसमें किस किस्म का कोई तेल मैंने ऐड नहीं किया, मैं ये मिक्सचर में डाल रही हूँ। जरा सा ये पैन गर्म था तो इसमें से आपको आवाज आई। इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे क्योंकि मैंने इसको पहले पीस लिया, थोड़ा ठंडा हो गया ये। अच्छा, और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये थिक बहुत है, ठीक, इससे मत घबराइएगा, इसको मैं बताऊँगी आपको कि इसको आपको पतला किस तरह से करना है। अब ये हल्का हल्का गर्म हो जाए, इसके साथ साथ मैं वर्किंग स्टार्ट करती हूँ और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना शुरू करती हूँ। पहले नमक मैं डाल चुकी थी तो मैं इसका नमक टेस्ट कर रही हूँ, नमक थोड़ा कम है, थोड़ा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसको हम मिक्स करेंगे। ये सूप बड़ा मज़े का होता है। अच्छा, मैंने तो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, आप चाहें तो इसमें गाजर की मिकदार कम कर सकते हैं, हमारे यहाँ गाजर बड़े शौक से खाई जाती है, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा गाजर रखी, यानी पूरी एक गाजर इसमें इस्तेमाल की है। थोड़ा सा मुझे सॉल्ट और चाहिए, वो मैं डाल रही हूँ। आलू मैंने इसलिए डाला है ताकि आलू का अपना एक फ्लेवर होता है और वो एक थिकनेस भी लेकर आता है इसमें, उसके लिए मैंने आलू इस्तेमाल किए। अब नमक परफेक्ट है, थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देते हैं, बस ये थोड़ी देर में उबल जाएगा, करके दिखा रही हूं ये उबल गया। अब मिक्सचर थिक है, इसको मुझे थोड़ा पतला करना है, तो मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं दूध का इस्तेमाल करूंगी इसमें। अगर मुझे लगा कि ये दूध थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। अच्छा, कंसिस्टेंसी आपके ऊपर है, कितना आपको थिक करना है, कितना आपको थिन करना है, ये आपकी मर्जी। सूप कभी भी बहुत ज्यादा थिक अच्छा नहीं लगता। मैंने एक
प्याला डाला था, एक और प्याला इसमें ऐड किया। अच्छा, सारा मिर्च मैं इकट्ठे इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पता चला जी ये बहुत ही पतला हो गया, फिर उसको गाढ़ा करने के लिए मुझे बहुत देर पकाना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, तकरीबन इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है पूरा, एक वो जो पाव वाला डब्बा आता है पूरा का पूरा ऐड कर दिया। ठीक है, आपको इससे भी पतला चाहिए इसमें आप और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लीजिएगा। फाइनली इसमें मैं क्रीम ऐड करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, ये क्रीम है। ये 3 टेबल स्पून क्रीम, ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून क्रीम है जो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। ये सूप ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसकी क्रीम डिसॉल्व हो जाए। अच्छा, जब तक इसमें उबाल आ रहे हैं हम आ जाते हैं डिस्प्लेशिया के लोगों के हवाले से रेसिपी की तरफ, और आपको बताती हूँ कि वो हम किस तरह से बनाएंगे। बहुत जल्दी बन जाएगी, उसमें कोई इतने खास इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं है। इधर आ जाइए, ये उन लोगों के लिए सूप बनेगा जिनको निगलने का प्रॉब्लम है। चाहे तो आप आधी फूल गोभी लें, आप चाहे तो आप पूरी फूल गोभी लें, आपकी मर्जी। सिर्फ इस फूल गोभी को करना क्या है कि इसे आपको उबाल लेना है अच्छी तरीके से। उबालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये देखिए, ये ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है। एक बड़ी अच्छी इसकी मैंने एग्जाम्पल दी थी, और वो एग्ज़ाम्पल ये थी कि जिन लोगों को निगलने का प्रॉब्लम होता है उनका फूड ना ज़्यादा भदभद होना चाहिए ना ज़्यादा पतपत होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप इस बात से समझ गए होंगे, भदभद वो होता है जो बहुत गाढ़ा हो जाता है, और पतपत उसको हम कहते हैं जो बिल्कुल ही पतला होता है, बहरा होता है पानी की तरह। दोनों ही उनके लिए प्रॉब्लम करेंगे, तो इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, और ईजिली इसको ये इस्तेमाल भी कर लेंगे। मैं आपको वैसे भी इसको दिखा सकती थी, लेकिन इसमें मैंने किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, ये सिर्फ फूल गोभी है उसका पेस्ट है। इसको मुझे बहुत देर पकाना नहीं है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम इस तरह का सूप बनाते हैं डिस्प्लेशिया के लोगों के लिए जिनको निगलने का प्रॉब्लम है, तो नमक का इस्तेमाल भी आपको बहुत कम करना पड़ता है। बस टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना, ये इसी में तैयार हो जाएगा। इसमें एक बॉयल आने दें, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दोनों चीज़ों को बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए जी, ये हो गया इतना गर्म कि मैं आपको शो कर सकूँ। इसमें भी मैं निकाल दूँ। आपने नोट किया होगा मैंने नमक बहुत कम यूज़ किया है। अच्छा, अब ये हमारे पास जायफल है जिसको मैंने क्रश करके रख लिया है। ठीक है, ये मैं पहले थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ, इस सूप के ऊपर, और ये थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, और इसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं इसमें डाल सकते। और ये आप इसमें टेस्ट ऐड करने के लिए मैंने इसमें बादाम डाल दिए। ये दोनों सूप तैयार हो चुके हैं। क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुए हैं। ये वो सूप है जो आप जितने भी नॉर्मल लोग हैं जिनको निगलने का मसला नहीं है वो इसको पी सकते हैं बासानी, क्योंकि इसमें क्रीम भी यूज़ की है और इसमें मिल्क भी यूज़ किया। और ये वो है जो डिस्प्लेशिया के पेशेंट के लिए है, और जो भी लोग इसका शिकार हैं वो मेरी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लिए फूड तैयार करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। मैं बता दूँ ये सूप उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो डाइट कॉन्शियस है, जो डाइट पर जाना चाह रहे हैं, तो वो भी खा सकते हैं। क्योंकि इसको मैं भी टेस्ट करके बिल्कुल आपको पहले इसी को टेस्ट करके बताऊँगी, फिर मैं नॉर्मल वाले को बताती हूँ टेस्ट करके कि वो कैसा है। ये अच्छा है, अच्छी सी खुशबू आ रही है फूल गोभी की यानी कॉलीफ्लावर की। तो आप में से जो भी डाइट पर है वो इसको यूज़ कर ले, और जो डाइट पर नहीं है वो क्रीम वाला सूप यूज़ करे। चले अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ।
मज़े का है, बहुत ही मज़े का है। तो आप इस सूप को ज़रूर बनाइएगा, ये इतना अच्छा है कि आप कहेंगे कि मज़ा आ गया इसको पीने के बाद। इसके साथ ही अम्मी की रेसिपी यहाँ पर एंड हो रही है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफिज़।